हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स होंडा एसपी 125 बेसिक्स मॉडल के माइलेज को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 टिप्स बताने वाला हूं, जिससे कि फ्रेंड्स आप अपनी बाइक का जो माइलेज है उसे आप पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन टोटल 10 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको भी फ्रेंड्स अपनी बाइक में जो माइलेज है वो पहले से काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख लें, जरा भी स्किप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस बाइक का ऑन रोड प्राइस और फाइनेंस डिटेल्स जानना है तो फ्रेंड्स मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इसके टायर से रिलेटेड भी वीडियो बनाकर रखा है, तो अगर आपको टायर से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स आप उसके लिए भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे भी जाकर चेक कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले टिप्स के बारे में। तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स इसके स्पीड लिमिट को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बाइक को फ्रेंड्स अगर आप इकोनॉमी मोड में अगर आप राइड करते हैं तो फ्रेंड्स आपको बाइक से सबसे ज्यादा माइलेज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बाइक को 40 टू 60 के बीच में अगर आप राइड करते हैं और फ्रेंड्स अगर अपनी बाइक का टायर जो प्रेशर है उसे आप रेगुलरली अगर आप चेक करवाते रहते हैं, स्पेशली फ्रेंड्स तब जब अगर आप डेली 60 टू 70 किलोमीटर का अगर आप राइड करते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टायर प्रेशर। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप टायर प्रेशर अगर आपकी बाइक का कम हो जाता है तो आपके इंजन पर ज्यादा लोड पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जितना ज्यादा लोड होगा माइलेज आपको उतना कम देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप भी बाइक को हमेशा इकोनॉमी मोड में राइड करें और टायर प्रेशर रेगुलरली चेक करवाते रहें, तो जिससे कि आपको सबसे ज्यादा माइलेज देखने को मिलेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अब अपनी सेकंड टिप के बारे में। तो वो रहने वाला फ्रेंड्स, अगर आपकी बाइक का 10,000 किलोमीटर अगर हो चुका है तो फ्रेंड्स आप अपनी बाइक का जो वेयरिंग होता है फ्रंट में और रेयर में जो आपको बेयरिंग्स देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स आप उसे चेक करवा लें। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब सर्विसिंग करवाने के लिए जाते हैं तो मिस्त्री लोग भी और फ्रेंड्स आप लोग खुद भी ऐसा भूल जाते हैं वायरिंग्स को चेक करवाना। तो फ्रेंड्स आपको वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप उसे चेक नहीं करवाते हैं तो जो डायरेक्ट प्रेशर है वो आपके इंजन पर पड़ेगा, तो उससे फ्रेंड्स आपको माइलेज कम देखने को मिलता है। और अगर आपकी वायरिंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स आप उसे चेंज भी करवा सकते हैं, और अगर वो ठीक है तो उसे लुब्रिकेंट करवा ले, तो जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा माइलेज देखने को मिलेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी थर्ड टिप के तरफ। तो फ्रेंड्स वो रहने वाला है फ्रेंड्स, आप जब भी अपनी बाइक को ऑफ करें तो फ्रेंड्स आप इंजन किल स्विच का यूज करें। बहुत टाइम फ्रेंड्स ऐसा क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो बाइक को गियर में ही बंद कर देते हैं, और फ्रेंड्स आपको बाइक गियर में ऑफ नहीं करनी है, आपको फ्रेंड्स बाइक में ऑफ करने के लिए इंजन किल स्विच का यूज करना है। और फ्रेंड्स अगर आपकी बाइक में अगर इंजन किल स्विच नहीं है तो फ्रेंड्स आप अपनी बाइक को जो है वो आप डायरेक्ट न्यूट्रल करके भी ऑफ कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स अगर आप गियर में अगर अपनी आप बाइक को ऑफ करते हैं तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आपका जो प्रेशर है वो आपकी चेन स्पॉकेट पर पड़ता है, तो उसके खराब होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं और फ्रेंड्स इंजन पर भी इसका काफी बैड इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फोर्थ टिप के बारे में। तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स, अगर आप ट्रैफिक में हैं तो फ्रेंड्स अगर आपकी बाइक एक मिनट से ज़्यादा के लिए अगर आप रुकने वाले हैं तो फ्रेंड्स आप अपनी बाइक को ऑफ कर दें, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सबसे ज़्यादा और अच्छा माइलेज देखने को मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर आप थोड़ी देर के लिए रुकने वाले हैं तो बाइक को ऑफ ना करें, अगर आप एक मिनट से ज़्यादा के लिए रुकने वाले हैं तो ही फ्रेंड्स आप अपनी बाइक को ऑफ करें। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपनी फिफ्थ टिप के बारे में। तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स, जब आप मॉर्निंग में अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आप बाइक को साइड स्टैंड पे स्टार्ट ना करें, आप बाइक में पहले बैठ जाएं और बाइक को सीधा कर लें, उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने इंजन को स्टार्ट करें, जिससे कि फ्रेंड्स और जब आप स्टार्ट कर ले तो फ्रेंड्स आप बाइक को एक मिनट के लिए स्टार्ट ही छोड़ दें, जिससे कि फ्रेंड्स जो इंजन ऑयल है वो इंजन को अच्छे से लुब्रिकेट कर दे, उसके बाद ही फ्रेंड्स आप अपनी बाइक में गियर डालें और बाइक को राइड करें। और फ्रेंड्स जब आप इनिशियल में राइड करें तो आप 40 टू 50 की स्पीड में ही राइड करें, जिससे कि फ्रेंड्स जो इंजन है वो अच्छे से लुब्रिकेट हो जाए और फ्रेंड्स इंजन आपका अच्छे से हीट हो जाए, तो फ्रेंड्स आपका जो इंजन के जो खराब होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिक्स्थ टिप के बारे में। तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स, आप बाइक में जब भी गियर चेंज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप फुल क्लच का यूज़ करें, हाफ क्लच का यूज़ ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स उससे क्या होता है कि जो क्लच प्लेट होते हैं उसके जो जलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स ये आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, बट फ्रेंड्स आपकी बाइक जब 10 या 12,000 किलोमीटर जब आपकी उससे ऊपर हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो गई है। इससे फ्रेंड्स आपका जो इंजन ऑयल है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको जो फुल क्लच का यूज़ करना है, आपको हाफ क्लच में गियर चेंज नहीं करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेवन टिप के बारे में। तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स इसके सर्विसिंग के टाइम पर। फ्रेंड्स आप जब बाइक की अपनी सर्विसिंग करवा रहे हैं या फ्रेंड्स आप अपने घर में भी जो एयर फिल्टर है आप उससे रेगुलर टाइम इंटरवल पर आप क्लीन कर सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर वो ज्यादा गंदा हो गया हो तो फ्रेंड्स आप उसे रिप्लेस कर दें, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स की जो बाइक का माइलेज है वो आपको पहले से ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपनी एट टिप के बारे में। तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स चेन को लेकर। तो फ्रेंड्स अपनी चेन जो है उसे रेगुलर टाइम इंटरवल पर जो है उसे आप लुब्रिकेट करते रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब चेन गंदी हो जाती है तो उसमें जो डस्ट वगैरह है वो काफी ज्यादा मतलब उस पर बैठ जाते हैं, तो उससे पावर लॉस काफी ज्यादा होने लगता है, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे आपको माइलेज काफी कम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक रीज़न ये हो जाता है कि आपको अपनी चेन को हमेशा लुब्रिकेट रखना है, जिससे कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स उतने बैठ नहीं पाए और फ्रेंड्स आपको मैक्सिमम माइलेज देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपनी 10 टिप के बारे में। तो वो रहने वाला है फ्रेंड्स बाइक जब भी आप अपनी पार्किंग में लगा रहे हैं और फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा देरी के लिए बाइक को अगर पार्किंग में लगा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि फ्रेंड्स आप उसे शेडेड एरिया में ही पार्क करें।
वरना फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर आप धूप में अगर अपनी बाइक को पार्क करते हैं तो जो फ्रेंड्स उस टाइम में क्या होगा कि जो पेट्रोल है वो इवोपोरेट होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और पेट्रोल इवोपोरेट हो जाएगा फ्रेंड्स तो आपको माइलेज भी कम देखने को मिलेगा और फ्रेंड्स जो उसका कलर है वो भी फेड होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको अपनी बाइक हमेशा शेडेड एरिया में ही आपको पार्क करना है अगर आप ज्यादा देर के लिए पार्क करने का सोच रहे हैं तो। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके फ्रेंड्स ब्रेक शू को लेकर। तो फ्रेंड्स आप अपने जो ब्रेक शू है उसे आप हमेशा चेक कराते रहें कि ब्रेक शू वगैरह जो है वो आपकी अच्छी रहनी चाहिए बाइक में, वरना फ्रेंड्स जो ब्रेकिंग का जो हीटिंग इशू है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा प्रॉब्लम फ्रेंड्स आपको ड्रम ब्रेक में देखने को मिलता है, और डिस्क ब्रेक में फ्रेंड्स आप अपनी प्लेट्स को भी चेक करवा सकते हैं अच्छे से, जिससे कि फ्रेंड्स ब्रेकिंग में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले और आपको बाइक से मैक्सिमम माइलेज मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये रहा बाइक्स को लेकर 10 टिप्स माइलेज को लेकर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से फ्रेंड्स अपने ब्रो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड्स जितना हो सके शेयर करें आपको जहां पर भी अच्छा लगता है व्हाट्सएप फेसबुक फ्रेंड्स हमारे चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।